अच्छा तो जनाब एफ एस सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस इसको हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस में कौन कौन से चीज़ें हैं होम्योस्टेसिस को किस तरह से याद किया जाता है होम्योस्टेसिस से रिलेटेड जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन एम सी क्यूज आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे लेकिन आज पहला लेक्चर है शॉर्ट ब्रीफ तो होम्योस्टेसिस को समझते हैं कि यह है क्या तो जनाब हम असल में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट जब हम लफ्स इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन लफ्स से ही हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं हम उसको किसी दुश्मन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम उसको किसी ऐसे फैक्टर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो उसको बाद में हार्मफुल उसके लिए साबित हो सकता है तो यहाँ हम बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं इंटरनल इन्वामेंट है उसको हम ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं किस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं, जो फ्लैक्चुएशन आती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट किस चीज फ्रॉम फ्लैक्चुएशन फ्लैक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो मेरे कहने का मतलब या इस होम्योस्टेसिस का मतलब बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अब मैं एक इंसान हूँ होम्योस्टेसिस को यहीं से समझ लेते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 है बाहर ऐसा सर्दी है बाहर का टेम्परेचर कोई 10 होगा 12 होगा तो अगर ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ना होता तो बाहर का टेम्परेचर मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर करता और इससे नुकसान होता एक नॉर्मल रेंज में चीज़ों का होना जामिन होती है कि बॉडी में जितनी आर्गन्स हैं वो सही से फ़ंक्शन कर सकें अगर इसी तरह बाहर के टेंपरेचर के मुताबिक हमारे अंदर का टेम्परेचर भी तब्दील होता रहे तो बहुत सारे इंज़ाइम अपना फंक्शन करना काम करना छोड़ देंगे और इंजाइम जब काम करना छोड़ देंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा प्रोटीन नहीं बनेगा प्रोटीन ने आपके स्ट्रक्चर को बनाना होता है तो आप स्ट्रक्चर नहीं तो हर सारी चीज़ें लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ तो इस होम्योस्टेसिस को बहुत क्रेडिट जाता है कि ये हमें एक्सटर्नल इन्वामेंट से सेफ रखता है तो ये जनाब होम्योस्टेसिस के मुतालिक थी होम्योस्टेसिस मेन जो चीज़ें होती हैं ना एक्सटर्नल इन्वामेंट से प्रोटेक्ट करने वाली वो सबसे पहले है वाटर वाटर एंड साल्ट इनकी कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन रखना इनको एक बैलेंस में रखना और दूसरी बात अभी मैंने एग्जांपल भी दी वो है टेम्परेचर टेम्परेचर बाहर का फ्लैक्चुएट हो रहा है उसमें तब्दीली आ रही है कभी टेम्परेचर जनाब बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है गर्मियों में टेम्परेचर को देखें तो फोर्टी फाइव फिफ्टी तक चला जाता है और सर्दियों में देखें तो माइनस तक आ जाता है तो हमारे मैंने कहा कि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर एवरेज है वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है इसको मेंटेन रखना है तो होम्योस्टेसिस 100 परसेंट तो मेन बैलेंस नहीं रख हंड्रेड का मतलब ये थर्टी सेवन ही नहीं रहेगा नैरो रेंज में चेंजेस आएंगी लेकिन वो जल्द ही फिर होम पे से कम हो पा लेता अब इनको अब वाटर और साल्ट में बैलेंस बरकरार रखने के लिए होता क्या है हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है आसमो रेगुलेशन का ये आसमो रेगुलेशन में वाटर एंड साल्ट की जो कंसनट्रेशन है बॉडी के अंदर उसको मेनटेन रखा जाता है अब देखिए अगर हम निहाँ किसी नहर के अंदर किसी तालाब में तो बह तो पानी की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर ये बैरियर्स ना होती होम्योस्टेसिस ना होता तो एक्सटर्नल इन्वामेंट में जो पानी है उसकी ये कोशिश होती कि वो इंटरनल इन्वामेंट यानी हमारी बॉडी के अंदर इंटर करे क्योंकि हमेशा हायर कंसनट्रेशन से चीज़ लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है तो यहाँ पे भी इसी तरह कंडीशन है लेकिन होम्योस्टेसिस में जो आसमो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो ऐसे नहीं होने देता वो एक कंसनट्रेशन को बरकरार रखता है तो ये था आसमो रेगुलेशन अब टम्परेचर की बात भी इसी तरह हम करेंगे कि टम्परेचर भी जनाब इसमें भी एक प्रोसेस है उसको हम थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं देखें वर्ड जैसे ये आप में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है या वैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप टेस्ट दे रहे हो कॉलेज के अंदर तो सबसे पहले कोशिश किया करें लफ्ज़ी मतलब को समझने की अब थर्मो रेगुलेशन एक वाज तौर पे बता रहा है कि मेरे अंदर क्या है दो वर्ड से मिलके बनाया सबसे पहले थर्म देखो ये थर्म टेम्परेचर से निकला है रेगुलेशन को देखो तो ये रेगुलेशन का मतलब ही रेगुलेशन है किसी चीज़ को रेगुलेट करना ना ज़्यादा होने देना ना ज़्यादा कम होने देना बल्कि एक बैलेंस में रखना तो ये रेगुलेशन इसी तरह आसमो आसमो एक वाटर और साल्ट से रिलेटेड है सोल्यूट की कंसेंट्रेशन से रिलेटेड है तो इनमें ना वाटर के और साल्ट के कंसंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ने देना ना ज़्यादा कम होने देना बल्कि एक नैरो रेंज में रखना बैलेंस करके रखना इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ भी है वो है एक्सक्रीशन थर्ड नंबर पे मैं आप बता रहा हूँ ये फर्स्ट सम ये सेकंड, ये थर्ड ये एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन किसी भी चीज़ का आ, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होना बाहर चले जाना आउट जिस तरह वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बनते हैं हम खुराक खाते हैं पानी पीते हैं हमारे ब्लड की जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है वहाँ से यूरिन को अलहदा किया जाता है दूसरे नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं तो उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए प्रोसेस है जिसे एक्सक्रीशन का नाम देते हैं इसमें नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है कौन से कौन से नाइट्रोजीनियस जिस तरह यूरिन एग्जाम्पल है बॉडी में ज्यादा जमा ना होने देना अगर ये ज्यादा जमा हो गए तो उससे कॉम्प्लिकेशन होगी और हम डिजीजेस का शिकार होंगे तो इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस एक्सक्रीशन मिला इस एक्सक्रीशन की वजह से हम इन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के काबिल हो गए तो आसमो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन तीन मेन प्रोसेस हैं इस होम्योस्टेसिस के अंदर ये जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस का इसकी तीन मेन प्रोसेस है हम इनको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले रेगुलेशन हो रही होती है दो लेवल पे हो रही थी एक लेवल पे भी हो रही होती है और सेलर लेवल पे भी हो रही होती है। तो जनाब ये हमने किस तरह हो रही होती है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे यही ऑस्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में हमने देखा अब इसमें जो है दो मेन और चीजें हैं समझने वाली वो है कंट्रोल सिस्टम नंबर वन है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम और दूसरे नंबर पे है लिविंग कंट्रोल सिस्टम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में फिजिकल वर्ल्ड में से किसी चीज़ की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ बुक में जिस चीज़ की एग्जाम्पल दी हुई है वो है रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल ओके okay, वो कहता है रेफ्रिजरेटर में सेंसर के तौर पे एक थर्म थर्मोमीटर लगा हुआ होता है जैसे ही हम टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं हम ज़्यादा कूलिंग चाहते हैं रेफ्रिजरेटर uh, से हो तो हम उसके जो सेंसर है उसको एडजस्ट करते हैं कूलिंग की तरफ लेके आते हैं हम ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहते एक नॉर्मल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो फिर भी हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन कहने का मतलब यह है कि सेंस कैसे करता है रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटर में पूरा सिस्टम है थर्मोमीटर सेंस करता है और दो सेंटर होते हैं उसके कूलिंग सेंटर और हार्ट सेंटर वार्म सेंटर तो अगर हमें कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो कूलिंग सेंटर एक्टिव हो जाता है अगर हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है तो वार्म सेंटर एक्टिव हो जाता है हीट हीट जनरेट करने का शुरू कर देता है तो किस चीज की एग्जांपल हमने ली यहां पे हमने रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ली इसमें क्या चीज है सेंसर ऑर्ग वो है थर्मोमीटर बिल्कुल इसी तरह का ही प्रोसेस हो रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम को देख के ही रेफ्रिजरेटर में जो प्रोसेस है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का ये बनाया गया अब लिविंग ऑर्गेनिजम में देखें तीन चीजें बहुत जरूरी है रिसेप्टर नंबर दो पे है कंट्रोल सेंटर नंबर तीन पे है अफेक्टर इसे ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इनका आपस में रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंट्रोल सिस्टम है वो रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर एफेक्टर ये तीनों चीजें हैं देखिए मिसाल से समझते हैं इस चीज को अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाएं तो फौरन हम खींच लेते हैं तो यहां से क्या होता है हमारे हाथ में होते हैं रिसेप्टर वो रिसेप्टर फौरी तौर पे पैगाम भेजते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर को कंट्रोल सेंटर यहाँ हमारा ब्रेन है और ये ब्रेन जैसे ही रीड आउट करता है कोड करता है उस मैसेज को कि यहाँ यहाँ पे गड़बड़ है कोई वार्म टेम्परेचर है फौरी तौर पे हाथ खींचने की ज़रूरत है तो मैसेज भेजता है इफ़ेक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं मसल या फिर ग्लैंड तो ब्रेन यानी कि कंट्रोल सेंटर मसल को मैसेज भेजेगा भाई फौरन हाथ को खींचो यहाँ पे भी मसला हो जाएगा वरना आप हार्म हो जाएंगे हार्ट होंगे आप बार हो जाएंगे तो फौरन ही हम खींच लेते हैं अपने हाथ को तो कहने का मतलब रिसेप्टर ने एक्सटर्नल इन्वामेंट में जो चेंजेस आई उस मैसेज को रिसीव किया रिसीव करके कंट्रोल सेंटर ब्रेन को भेजा वहाँ पे उस मैसेज को प्रोसेस किया गया कोडिंग की गई उसकी उस मैसेज को ट्रांसलेट किया गया ब्रेन ने फिर समझ के मैसेज हमारे इफेक्टर की जनाब भेजा और इफेक्टर ने रिस्पॉन्स शो किया इफ अब रिसेप्टर क्या कर रहा है मैसेज को रिसीव कर रहा है कंट्रोल सेंटर क्या कर रहा है मैसेज को प्रोसेस कर रहा है इफेक्टर क्या कर रहा है रिस्पॉन्स शो कर रहा है इन दोनों का ताल्लुक कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल सेंटर रिसीव कर रहा है मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो इस तरह लिविंग रहेनिज्म कंट्रोल सेंटर है अब क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं वो आपसे पूछ सकता है ये जो हम आज पोर्शन कवर किया इसमें शार्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनसीक्यूस पूछे जा सकते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक हम फिर करेंगे से करेंगे यहाँ जनाब आपसे पूछ सकता है कि ओम्योस्टेसिस को डिफाइन करें इसकी इम्पोर्टेंस बताएं। इम्पोर्टेंस इसका यह है कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़्यादातर तब्दीलियाँ नहीं होने देता उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वामेंट से क्यों ताकि हमारी बॉडी में जो इंजाइम्स हैं जो आर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके क्योंकि उनका प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है दूसरी बात यह है ये पहला शार्ट क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है दूसरी बात जो सेकंड नंबर पर शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आसमो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है देखें आपसे जब डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आप कोशिश किया करें एग्जाम्पल ज़रूर दिया करें इससे आपके पूरे नंबर आ सकते हैं अब थर्ड नंबर पर जो शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कहा जा सकता है जिना फिज़िकल कंट्रोल सेंटर और लिविंग कंट्रोल सेंटर को कंपेयर करें तो कंपैरिजन आप लिख देंगे फिजिकल कंट्रोल सेंटर में आप रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देंगे वहाँ पे भी कहेंगे कि जिस तरह यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है थर्मामीटर लगा हुआ है थर्मामीटर ऐसे समझो रेफ्रिजरेटर में रिसेप्टर रे, का, का काम कर रहा है और इसमें एक टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक सेंसर लगा हुआ होता है वो आज समझे कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा होता है अब यहां इफेक्टर जो है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में वो वो क्या है जी वो सेंटर है कूलिंग सेंटर कूलिंग सेंटर और वार्म सेंटर हीट सेंटर जो भी कहें ये दो चीजें ये एक्टिव हो जाती ये एज अ फैक्टर कम करते हैं रिस्पॉन्स शो करते हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा समझने से ही चीज़ें समझ आती हैं आप पढ़ें मेहनत करें समझे चीज़ों को